गाइस यहाँ पर देखो इन्होंने क्यों दे रखे हैं भाई मुझे, देखो पहले तो यहाँ पर लिखा है ना चल भिखारी आगे निकल, कृपया अपना भेल साफ करें। पॉइंट क्या लिख रहे हो तुम, ये गोला 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 गोला। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, और आपका वेलकम हो चुका है मानस खान पर ब्लॉग के एक न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं और हर्षित स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी रात के कितने बजे, रात के 11 बजे, 11 बजे नहीं रात के 11:39 पे। तो आप भी सोचोगे कि यार ये दोनों पागल हो गए हैं क्या इतनी रात में ब्लॉग स्टार्ट करने को। जी नहीं, अभी थोड़ी देर में मानस का बर्थडे स्टार्ट होने वाला है ना, और जिसके लिए हम दोनों ने सरप्राइज़ प्लान किया है। हमारे सरप्राइज़ में दिव्यांश भी शामिल था, लेकिन उसको नींद आ गई तो वो सो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ हम दोनों जगह हैं और सब सो गए हैं। और अभी गिफ्ट्स भी छुपाया हमने कहीं। हाँ, हमारा कुछ इतना प्लान नहीं था सेलिब्रेट करने का, इसलिए हम लोग सिर्फ उसके लिए पेस्ट्रीज लेके आए हैं, और इसी का केक बना के हम अभी काटेंगे। बाकी कल हम उसके लिए केक और उसकी पार्टी अरेंज करेंगे, और हमने उसके लिए थोड़े बहुत गिफ्ट्स भी रखे हैं। अब देखते हैं कि उसे पसंद आते हैं या नहीं आते, और आप भी देखते रहना, आप भी ज़रूर बताना कि हमारा गिफ्ट पसंद आया या नहीं। हमारे पास अभी तो कोई चाकू भी नहीं है, तो हमने ये घर पे सब्जी काटने वाला चाकू ले लिया। गाइस, मैं और हर्षित यहाँ पे लेटे हुए थे, हमें नींद तो बहुत जोरों की आ रही थी, लेकिन टाइम शायद 12 बजने वाला है। फोन का देखो कितना हो गया है, 12 बज गया होगा। सो गाइस, सिर्फ 2 मिनट रह गया है, क्या किया जाए भाई? प्रैंक प्रैंक बस चुका है 12। हैप्पी बर्थडे टू यू, वो तो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानस, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। अरे उठ जा भाई, अरे हटा दे दिव्यांश, जल्द गिर जाएगा वो। हैप्पी बर्थडे, क्या है? अरे भाई तुम्हें ये, सो गाइस ये लालची आदमी के मुंह में पानी आ चुका है भाई। मेरे दोस्त का कॉल भी आ गया अनुराग का। हेलो, हाँ सॉरी अनुराग भाई, तुम लेट हो चुके हो, हम फर्स्ट आ गए। तो भाई इन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा भी है भाई, इसके तुम कब ले आए भाई? कुछ लिखा भी है, क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे मानसी, वाह मानसी, दिखा दे भाई, मानसी लिख दो, मानसी चल भिखारी आगे बढ़। ओ माय गॉड भाई, इन्होंने तो बहुत तगड़ा सिस्टम बैठा रखा है दादा, और टेबल और भी गिफ्ट्स है भाई। इन्होंने गिफ्ट का फॉर मोर क्लू सेकंड फ्लोर फर्स्ट रूम पिंक बॉक्स भाई, तुम भाई इन्होंने गिफ्ट भी लेकर आए मेरे लिए भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानसी, और ये गया अम्मा वो, उसे साइड में रख दो, उसको साइड में रख देते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो इन्होंने क्यों दे रखे हैं भाई मुझे, देखो पहले तो यहाँ पर लिखा है ना चल भिखारी आगे निकल, सबसे बुरा तो ये लग रहा है मुझे, लेकिन इन्हें क्लू दिया है सेकंड फ्लोर फर्स्ट रूम पिंक बॉक्स। चलो 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 चलो। तो गाइस रूम तो यही बताए, वो पिंक बॉक्स ये है भाई, पिंक बॉक्स ये देता हूँ क्या भाई, टॉफियां लग रही मुझे तो, इसे फाड़ना भी था इसको। अरे भाई ये तुमने छोटी छोटी चीजें रखी हैं भाई, इधर चॉकलेट इधर शॉर्ट निकले हैं, चलो अभी बड़ी बड़ी चीजें मिलेगी, बड़ी मिलेगी भाई। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, भाई को गोटियां खेलना पसंद, भाई को गोटियां खेलना पसंद है यार, तुम क्या बोलते हो? क्लू देखना है, क्लू योर फेवरेट पर्सन, उसके ऊपर एक शब्द नहीं दिख रहा है, अबव योर फेवरेट पर्सन थिंग, अम्मा की फोटो के ऊपर। चलो अम्मा की फोटो के ऊपर कौन सी चीज रख सकते हैं, अम्मा की फोटो के आसपास कहीं, फोटो मैंने ऊपर बोला है। तो गाइस अभी आए हैं मंदिर में भाई, इन्होंने जहाँ रखा है वाइट वाले पर, अरे भाई भाई मुरैनो में क्या करूँगा मैं भाई, मुरैनो में क्या करूँगा मैं, कोई वहां जा रहा हूँ क्या? उसमें क्या लिखा भाई, कृपया अपना भेल साफ करें। पॉइंट क्या लिख रहे हो तुम, ये
भाई ये रुक क्या लिखा है ने, कृपया अपना भेल साफ करें। भेलपुरी की बात हो रही है भाई। अच्छा भेलपुरी और झालमुड़ी। ग्राउंड फ्लोर योर लाइफ फर्स्ट। अगले गिफ्ट के लिए क्लू है भाई, वो अनपढ़ हो क्या तुम? हाँ समझ गया। मेरा दूसरा ग्राउंड फ्लोर कहाँ है हमारे घर में? ग्राउंड फ्लोर कहाँ? यही ग्राउंड फ्लोर बना। ये मिल गया भाई। ये भाई तू क्यों चीटिंग कर रहा है? मेरे को चीटिंग करना पसंद है। एक में तो गाइस ने लिखा था पता है क्या, आप कृपया अपना भेल साफ करें। हद है यार वो भाई। मैं अपनी पे आ जाऊं क्या? अपनी पे आ जाऊं क्या मैं? भाई मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे रहे हो तुम? तुम मुझे बहुत चाटते हो। क्यों नवरात्रि दुर्गा? अरे वो तो अगले गिफ्ट का है, ये तो देखो है क्या यार। ये समझ गया, लॉलीपॉप है मेरी फेवरेट वाली। तुम मुझे बहुत चाटते हो। अद यार सही कर रहा हूं। माता जी भाई ये मिल गया। तू साले किसकी टीम में है भाई? तो मेरी टीम है भाई। इसमें भी इन्होंने भाई तुम मुझसे पैसे ले जा देना मेरे गिफ्ट के लिए। एबीसीडी सीखने की उम्र नहीं होती क्योंकि तुम्हें आज तक उसे सीखने की ललक नहीं होती। क्यों मिला है? तुम रोज जाते हो सब्जी मंडी क्योंकि यू नीड ठंडी मतलब फ्रिज। तो फिलहाल का इस अभी दिन ने गिफ्ट दिया ना छोटी छोटी चीजों का, ये देखो ये भाई बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर। मतलब कोई भी कितनी बड़ी चीज हो, कार ले आए कोई बड़ी सी, कोई फायदा नहीं भाई। ये चीज अच्छी लगती है ना, इससे बचपना फील होता है। ये देखो यहाँ पर लिखा है ये, इससे इसको देखकर मजा आया मुझे, सच बता रहा हूँ मैं। और चलो गाइस मम्मी लोग तो सोए हुए हैं, वो लोग तो सुबह ही विश करेंगे। और चलो अब मैं भी सुबह उठूंगा, और क्योंकि कल जल्दी भी उठना, कल नवरात्रि है, नवमी है, तो कन्या भी होगी, कल इतना अच्छा दिन है मेरे लिए है ना। तो चलो गाइस अब मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग में। तो हाई गाइज गुड मॉर्निंग। तो भाई आप सबको बताइए कि आज है मेरा बर्थडे, और भाई रात में दीदी ने इतने तगड़े तगड़े सरप्राइज दिए ना, मजेदार। और एक बच्चा शोर बहुत करता है, अभी दिखा दो कौन बच्चे आए हैं। किसका बर्थडे? क्या रहा? बुआ का बर्थडे है। मेरा बर्थडे मतलब मेरा नहीं है, बुआ का बर्थडे है। और गाइस पता है आज भाई नौमी भी है, मतलब नवरात्रि का नौवा दिन है, लेकिन 12 बजे के बाद स्टार्ट होगा। तो भाई कन्याएं भी होगी, अभी 9 कन्याएं हैं और 2 वरु आएंगे। 2 वरु आते हैं, एक ही आता है, वैसे तो बोलते हैं एक ही आता है लेकिन 2 बुला लेते हैं ना। और गाइस सुबह सुबह मैंने दादा दादी का आशीर्वाद भी ले लिया, मस्त पापा मम्मी लोगों का भी ले लिया, चारों का। देवी माता भी आ गई आशीर्वाद देने। हाँ देखो देवी माता भी आ गई आशीर्वाद देने है ना। नो नो देवी माता नहीं यार, इसे रिएक्शन इतने प्यारे हैं ना भाई, मैं क्या बताऊं। गोला 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 गोला। हाँ चाचू तो मैं हूँ। अरे अरे ऐसे बर्बाद नहीं करना पूजा में काम। अरे पूजा अभी यार तुम लोग तो भाई गोला की तो आज बहुत ही डिमांड हो रखी है भाई। अभी वो जस्ट बाहर निकली और चली गई कन्या खाने किसी के यहाँ। भाई दूसरी चीज, दिव्यांश में और नन्नू में कोई फर्क नहीं है, कोई भी बिल्कुल भी फर्क नहीं है। पता क्यों? क्योंकि भाई दोनों एक जैसे शैतान है, एक जैसे पहले हद ही कर देते हैं पूरी। भाई अब समझो कि ऊपर कोई नहीं है, ना कोई बच्चा ना कुछ, ये अकेले भाई साहब घूमने जा रहे ठहरे ऊपर। ऊपर क्या करने जा रहे थे आप? गुन्नू गई है ना कन्या खाने। भाई इसको एज अ बरुआ बुला रहे थे, ये गए ही नहीं। और गाइस आज इतना अच्छा दिन है, मेरा बर्थडे है, नवरात्रि चल रहे हैं, नौमी है आज। और ये दोनों बता मुझसे थैंक यू। ये तो बहुत बार बोल चुका है, ये दूसरी बार बोल रहा है। और भाई ये मुझसे एक बहुत गंदा काम कराने लाए हैं। क्या लाए हो गंदा काम? तो गाइस बरिया का छत्ता देख रहे हो, आज ये खत्म करने वाले हैं हम लोग। भाई चलो 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 तुम भी चलो ना आराम। तो गाइस ये देखो भाई कितनी सारी बरैया है यहाँ पर। तो गाइस मैं इसको तोड़ने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि भाई वो जब खुद ही उड़ जाती हैं 1.5 महीने बाद, तो क्यों फालतू करना है ना। और फालतू कहीं काटेंगी, मैंने तो सबका जुगाड़ भी कर लिया था पूरा काटेंगी, लेकिन फिर मैं बद्दुआ लूंगा किसी की अपने बर्थडे वाले दिन। आज बर्थडे है मेरा इसलिए, तो कोई बद्दुआ नहीं लेनी है। ओके ना चलो चलते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी मम्मी लोग भी आ चुके। मम्मी आप लोग कन्या खाने गए थे क्या? इतनी देर से हम पिन्नी खाने गए थे। आज गिफ्ट क्या दे रहे हो मेरे बर्थडे पे? कल रात में आप लोग उठे भी नहीं, दीदी उठी थी, उसने बताया इतना अच्छा सरप्राइज दिया मुझे साथ। ये कितने गिफ्ट दिए तूने मुझे? मतलब 50 रुपये में पूरे गिफ्ट दे दिए भाई। आज गोला तो हमारी देखो कन्या खा खा के थक गई है, वो देखो आराम से बैठी हुई है, टीवी देखने में लगी है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने, वहाँ से आया तो मम्मा ने आपको खाना दे दिया है। ये देखो छोले हैं, बस और चने दिया है, नहीं दिए। और भाई यहाँ पर आलू भी है, हलवा भी है, मस्त। तो चलो सभी के साथ बैठ के खाते हैं। तो गाइस सामने केक आ चुका है हमारा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है बता? सेलिब्रेट तो करेंगे ही हम, लेकिन पापा लोग भी आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली भाई केक आपके सामने है, आप लोगों ने देखे सिनेमैटिक्स, सब लोग आ चुके हैं, मम्मा आ चुकी है। क्या कह रहा है?
क्या चल रहा है भाई, चड्डी पहन के फूल खिलाया, बर्थडे पार्टी चल रही है, चड्डी पहन के फूल खिलाया। गाइस फाइनली केक काट दिया है मैंने, पहले भाई मैं भी खाऊंगा नहीं, अभी अम्मा को देना है पहले। पापा के गाने बज गए यार भाई, मजा आ गया केक देख कर, इतना बढ़िया लग रहा है ना भाई, सच में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा। खाना नहीं है अभी, खाना नहीं है, ये सिगरेट, ये अभी कैंडल, अभी सिगरेट खानी नहीं है अभी, ठीक है बाद में। कहाँ पर? हाँ इलायची भी है। तो गाइस मेरे पास तो मेरा काठी रोल आ चुका है, तो मैं तो खाऊंगा भाई काठी रोल, सभी लोग मस्त बैठ के खाने में लगे हुए हैं भाई। आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ भाई, देखो मेरे सब्सक्राइबर्स आ गए भाई, मेरे सब्सक्राइबर्स आ गए भाई, गले मिलो, तुम आओ गले मिलो, किसी करो भाई, तुम तो गिर गए भाई, तुम गिर गए, तुम देखा मेरा ब्लॉग? हां देखा था। और गाइस चलो भाई फटाफट से एडिटिंग करने बैठते हैं, बर्थडे कंप्लीट, सारी चीजें कंप्लीट है ना। और चलो गाइस यार लोग भी हम लोग यहीं पर कर देते हैं एंड, आई होप ये लोग आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कल सुनते हैं नए ब्लॉग, तब तक के लिए हैप्पी हैप्पी।